होता क्या, लोग अपलाइन की बात नहीं मानते। हमने पढ़ाई छोड़ी, मैं कोचिंग पढ़ाता था, उस समय सर मुझे पार्ट टाइम में 30 से 35 हजार रुपए में बना लेता था। 35 हजार को मैंने छोड़ा, कॉलेज भी छोड़ा, 35 हजार भी छोड़ा, और उसके बाद भी सर एक समय आया 2016 के अंदर कि हमारी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि 100 रुपए तक के तेल भरवाने के पैसे नहीं थे। उसके बाद मैं दुबे सर को फोन किया और मैं रोने लगा कि सर डिसीजन गलत हो गया। फिर मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, डिसीजन गलत हो गया। सर ने बोला कुछ नहीं बिना सर, कुछ दिन हमारे एक मीटिंग है, मिलेंगे फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। और मैं बोलना चाहूंगा उसके कुछ दिन बाद जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी मिस्टर महिपाल सर से, और उस समय हमने फिर देखा था एस्केलेपियस वेलनेस का प्लान। और सबसे पहले प्लान देख करके उस मीटिंग में हम 20 लोग बैठे थे, मैंने सीधा हाथ उठा जब सर ने बोला कोई क्वेश्चन है आपका है तो, मैंने बोला सर मेरा केवल एक क्वेश्चन है, ये जितना बता रहे हो ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए और मैं पैसे कमाने ही आया हूं। और सर सर ने बोला आता है, और जब बोला कि पैसा कमाने आए हैं हम, और सर का जब कंफर्मेशन हुआ तो हमने सर लोग के साथ डिसीजन लिया। और मैं एक ही बात बोलूंगा, कई लोग डिसीजन नहीं ले पाते, एक सिंपल काम मैंने किया था, एक व्हाइट पेज लीजिए, एक तरफ लिखिए फायदा एक तरफ लिखिए घाटा। मैंने देखा जाने को तो 3.5 साल वैसे भी जा चुके हैं, अभी अगर पीछे हटता हूं तो सब कुछ चला जाएगा, तो एक बार और ट्राई करते हैं और पैसे लगाएं। एक बार ट्राई किया, जाने के लिए कुछ नहीं था, आने के लिए बहुत कुछ था।